दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा लुक थोड़ा नया है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा होगा, अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा इक्विपमेंट नहीं है, सीमित साधनों में हम लोग वीडियो का रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि सातवें चरण के शिक्षक नियोजन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। इससे पहले कि आप में से कुछ दोस्त अपना ओपिनियन बना ले, आपको बता दें कि आज के वीडियो में जो भी बोला जा रहा है आप हमारे एक एक लाइन पे गौर कीजिएगा, और खास करके मेरे हाथ में ये रेड मार्कर है, ये रेड मार्कर के मूवमेंट पे आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस मूवमेंट को मिस कर देते हैं तो आप ये मान के चलिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको परेशानी होगी ही होगी, क्योंकि जहां जहां ये पेन इस बोर्ड पे चलेगा वहां वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ईजिली हो जाए। क्योंकि अगर आपने सुना भी होगा और अखबारों में पढ़ा भी होगा तो आपको पता होगा कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन में बहुत सारे कैंडिडेट्स को सिर्फ इस कारण से समस्या आई क्योंकि उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको सातवें चरण में लगने वाले हैं। कुछ जो हमारे दोस्त हैं वो ये पूछते हैं कि आखिरकार जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकल जाता है हम लोगों को ये डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। सबसे पहले तो उन लोगों को ये बता दे कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप बच्चों को क्या यही सिखाएंगे कि जब एग्जाम आ जाए उस समय तैयारी करना शुरू करो। हमेशा आपको ये प्रयास करके चलना है कि आपको कम से कम परेशानी हो। हम सीतामढ़ी के रहने वाले हैं तो इधर तो कहा जाता है कि भोज के बेड़ी में कुम्हरा रुकना, मतलब कि जब आयन वक्त आ जाए उस समय आप काम करने जाइएगा तो परेशानी होगी, तो ये परेशानी आपके साथ नहीं हो, इसलिए प्रयास आज से ही करना है, क्योंकि अभी से आपको बहुत समय मिलेगा। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तब तक इन डॉक्यूमेंट्स का आप इंतजाम कीजिए, चाहे इसके लिए आपको आकाश में जाना पड़े या पाताल खोदना पड़े, लेकिन इनका इंतजाम आपको करना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, एक एक शब्द पे आप गौर कीजिए। पहला जो डॉक्यूमेंट है आपके सामने में लिखा गया है माध्यमिक यानी मैट्रिक का मार्कशीट। कुछ लोग इस बात को नहीं समझते हैं, वो लोग माध्यमिक में या मैट्रिक में या क्लास 10 में ये जो तीन शब्द है इसमें कंफ्यूजन पड़ जाते हैं। तो चाहे आपके सामने माध्यमिक लिखा हो या मैट्रिक लिखा हो या इसी को हम लिख देते हैं क्लास 10, ये 10th का आपको मार्कशीट चाहिए होगा। एक सुधार आज हम लोगों ने ये भी की है कि आपके स्क्रीन पे जितनी भी देर वीडियो चलेगा और जिस डॉक्यूमेंट का यहाँ पर नाम लिया जा रहा है उसका पिक्चर ऊपर में आते रहेगा, ताकि आप देख कर भी पहचान जाए कि मार्कशीट कैसा होता है, डॉक्यूमेंट जो आपका प्रमाण पत्र है ये कैसा होता है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को हमने देखा है, खुद काउंसलिंग में खड़े रह के भी देखा है कि उनको पता ही नहीं होता है, वो काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं और उनको पता नहीं होता है कि प्रमाण पत्र का क्या मतलब है। आपको हैरानी होगी क्या ऐसे भी कैंडिडेट हैं? बिल्कुल है। आप कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहां पे खड़े हो जाइए तो आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बात है कि मार्कशीट, आपको जो 10th में मार्कशीट मिला हुआ है ये मार्कशीट आपके सामने होना चाहिए। और दूसरा है प्रमाण पत्र। ध्यान दीजिएगा, जहां भी प्रमाण पत्र शब्द आपके सामने लिखा हुआ हो केवल देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र का सीधा सा मतलब यहाँ पे हो जाता है ओरिजिनल डिग्री। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फिर से, इसी को मूल प्रमाण पत्र भी कहा जाता है या ओरिजिनल डिग्री कहा जाता है। आप कहिएगा, बहुत सारे आपको कंफ्यूजन में डालने वाले लोग ऐसे मिल जाएंगे कि आपको बोलेंगे अरे प्रमाण पत्र लिखा है, इसमें मूल शब्द कहां छुपा हुआ है। आपको बता दें कि जब तक आपको औपबंधिक प्रमाण पत्र नहीं लिखा रहे यानी कि प्रोविजनल प्रमाण पत्र नहीं लिखा रहे तब तक आपको यही मान के चलना है कि प्रमाण पत्र का मतलब हमेशा ओरिजिनल प्रमाण पत्र से होगा, मूल प्रमाण पत्र से ही होगा, इसको कोई काट नहीं सकता है। कोई अगर आपको बहका रहा है तो उसकी बातों में बिल्कुल मत आइए, नहीं तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रमाण पत्र भी दो तरह के होते हैं, एक तो जो आपका होता है वो औपबंधिक प्रमाण पत्र कहलाता है और दूसरा जो है आपको ओरिजिनल प्रमाण पत्र कहलाता है। सीबीएसई बोर्ड वालों के साथ ये झंझट नहीं है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में जो आपको प्रमाण पत्र आता है क्लास 10 में वो हमेशा आपको मूल प्रमाण पत्र ही आपके मार्कशीट के साथ आ जाता है। लेकिन बिहार बोर्ड में पहले आपका प्रोविजनल प्रमाण पत्र आता है, प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट बोल लीजिए या डिग्री बोल लीजिए ये आपका आता है, इसके बाद आपका ओरिजिनल डिग्री आता है, ओरिजिनल प्रमाण पत्र आता है। तो ध्यान रखिए आपके स्क्रीन पे दोनों प्रमाण पत्र के पिक्चर आ रहे होंगे, एक प्रोविजनल है इस पर आप देख लीजिए प्रोविजनल कैसा दिखने में लगता है, ओरिजिनल है ये ओरिजिनल दिखने में कैसा लगता है, दोनों के नीचे लिखा हुआ भी आ रहा होगा।
तो आप अपने प्रमाण पत्र से अच्छे तरीके से मिला लीजिए कि आपके पास जो प्रमाण पत्र है वो प्रोविजनल है या ओरिजिनल है। नेक्स्ट जो है वो इसी तरीके से है, उच्च माध्यमिक यानी इंटर का मार्कशीट प्लस प्रमाण पत्र। ध्यान दीजिएगा, मार्कशीट अलग लिखा जा रहा है, इसके साथ प्लस का साइन लगाएगा, यानी मार्कशीट तो चाहिए ही चाहिए, मार्कशीट के साथ प्रमाण पत्र भी चाहिए। ठीक है, इंटर का मतलब क्या है, प्लस टू, जो जिसको किया कुछ लोग बारहवीं कहते हैं, यानी बारहवीं का आपको मार्कशीट भी चाहिए, प्रमाण पत्र भी चाहिए। ध्यान रखिए, यहां भी प्रमाण पत्र का मतलब ओरिजिनल प्रमाण पत्र से है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट से, ओरिजिनल डिग्री से। नेक्स्ट जो आपका है ग्रेजुएशन का मार्कशीट प्लस, देखिए यहां भी प्लस का साइन लगाया है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी चाहिए और प्लस ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र चाहिए। यहां भी प्रमाण पत्र का मतलब है ओरिजिनल डिग्री से। ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रेजुएशन वाला मामला है, पॉइंट थ्री का जो मामला है, ये केवल उन छात्रों के लिए लागू होगा, उन अभ्यर्थियों को लागू के लिए लागू होगा जो क्लास सिक्स या इससे ऊपर के टीचर बनना चाहते हैं। यानी कि आप क्लास टेन या ट्वेल्व के टीचर बनना चाहते हैं और अभी तक आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको ऊपर वाले दो और फिर बीएड या डीएड का मार्कशीट और प्रमाण पत्र चाहिए होगा। लेकिन अगर आप क्लास सिक्स या इससे ऊपर के टीचर बनना चाहते हैं, क्लास सिक्स टू एट का बनना चाहते हैं या फिर नाइन या उससे ऊपर की क्लास के बनना चाहते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन का जो आपका मार्कशीट है, प्रमाण पत्र है, ये भी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद क्या है, आपका बीएड का मार्कशीट और प्रमाण पत्र, बीएड या डीएड का, आपने बीएड किया होगा कहीं से या डीएड किया होगा तो इसका आपको मार्कशीट मिला होगा और इसका भी आपको प्रमाण पत्र मिला होगा, ये चाहिए होगा। इसके बाद जो है इस पर आपको ध्यान देने की विशेष जरूरत है। नेक्स्ट लिखा गया है जाति प्रमाण पत्र। ये जाति प्रमाण पत्र केवल उन लोगों के लिए लागू है जो किसी न किसी तरीके से जाति के आधार पर किसी न किसी तरह के आरक्षण का फायदा ले रहे हैं। जैसे आप एसटी कैटेगरी से हो सकते हैं, एसटी से हो सकते हैं, ईबीसी से हैं, बीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। नेक्स्ट है आवास, आवास प्रमाण पत्र, यहाँ पर वीवीआई है, इसके सामने आपको वीवीआई लगाया जा रहा है क्योंकि सातवें चरण में ऑलरेडी डोमिसाइल लागू हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है दूसरे राज्य के अभ्यर्थी इसको देखते हैं तो वो हमको चुनौती देने लगते हैं, हमें बोलने लगते हैं कि आपने अपने मन से कैसे कह दिया कि बिहार का लगेगा, उन्होंने नियमावली 2020 नहीं पढ़ा है। आप बिहार के अभ्यर्थी हैं, आप बिहार के न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि नियमावली 2020 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि केवल बिहार के कैंडिडेट ही सातवें चरण में अप्लाई कर पाएंगे। एक उत्तर प्रदेश के हमारे अभ्यर्थी हैं, उन्होंने ऐसा अजीब सा तर्क दिया, उनका तर्क जरा सुनिए कि क्या है, कि वो कहते हैं कि ये जो मुद्दा है कि बिहार के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे, ये बिहार के छात्रों ने ये मुद्दा नहीं उठाया है बल्कि ये मुद्दा विपक्षी पार्टी ने उठाया है। अब हम उनको बहुत समझाया लेकिन वो समझ नहीं पाए तो अंत में हमने हार मान ली, उनको छोड़ दिया। लेकिन अगर आपको हम यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं कि आपको आवास प्रमाण पत्र बिहार का बनवाना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट जो है वो है आय प्रमाण पत्र। कई जगह पे आप लोग अपनी आय को दिखाते हैं, इनकम को दिखाते हैं, जैसे कि अगर आप ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाते हैं, जो लोग ईडब्ल्यूएस का लाभ उठा रहे हैं ये लोग अपना जाति प्रमाण पत्र भी बनवा लेंगे, आय प्रमाण पत्र भी जरूर बनवा लेंगे। इसलिए बनवा लेंगे क्योंकि वैसे तो आपकी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पे आपकी जाति लिखी ही हुई होती है, लेकिन हो सकता है, संभव है कि आपसे आपका आय प्रमाण पत्र मांगा जाए क्योंकि आपने आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लिया है। नेक्स्ट है कि अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी हैं, यानी कि बिहार में एक नियम है कि आप अगर फ्रीडम फाइटर के नातिन हैं या फिर पोता पोती हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलता है सरकार की तरफ से, तो आपको इसका भी सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। लास्ट जो है वो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी बनवा लेना है। तो कुल मिला के ये 10 प्रमाण पत्र हैं जो कि आपको बनवा के रख लेने हैं। अगर ये 10 प्रमाण पत्र आप नहीं बनवाते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में परेशानी होगी ही। यहाँ पर फिर से आपको स्पष्ट रूप से हम चेतावनी देके कह रहे हैं, प्यार से समझा के भी बोल रहे हैं कि किसी भी अन्य के बहकावे में बताइए, लोग आपको बहुत बहकाएंगे लेकिन उनके बहकावे में नहीं आई, क्योंकि इस बोर्ड पे जो लिखा गया है इसका प्रूफ हम आपको ऊपर में भी दे रहे हैं कि शिक्षा विभाग का जो लेटर है उसमें भी जितने चीज हमने आपको लिखा है इस लेटर में भी आपको सामने में नजर आ रहा होगा। तो उनके कहे पे मत जाइए, अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए क्योंकि आपके पास हथियार जितने मजबूत होंगे युद्ध में लड़ाई में आपकी जितनी की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी।
तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।